जिसके अंत में कोई मैसेज नहीं।
जिसे हम कहानी कविता या गजल कहते हैं। अरे वाह मेरे मियाँ, तो आपने आज तक कोई बुक क्यों नहीं? वो ऐसा है ना जानू कि हम पासबुक और चेकबुक के चक्कर में कुछ ऐसा फंसे कि फिर किसी और बुक पर ख्याल नहीं किया। अब ये सब छोड़िए और मुझे आप कहानी के लिए कोई अच्छा सा प्लॉट दे देते तो दे देते। हाँ, ये एक सत्य घटना है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे कथा के धागे में इतने सलीके से भिड़ोगी कि आगे चलकर एक चर्चित कहानी बनेगी, क्योंकि इस कहानी में कॉमेडी, सस्पेंस, रोमांस, जीवन जीने का सही अंदाज है। खुद मिला के मैडम, ये कहानी सुपर हिट है। अरे वाह, मुझे ऐसे किसी प्लॉट की जरूरत है ताकि अपने आलोचकों का मुंह बंद कर सकूं। ये जालिम लोग इतनी कड़ी टिप्पणी कर देते हैं ना कि बस जान ही चल जाती है। आलोचनाएं कभी कोमल नहीं होती, बेशर्मी का लिबास में अस्तर और आलोचना की दीवार में पलस्तर नहीं होते। अच्छा जल्दी से वो घटना सुना दो ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? शायद बनाना है, लाओ आज मैं बना देती हूँ। तो बताओ
यानी गहरे अंधकार में उम्मीद की किरण। अरे वाह, कहानी का क्या कहना, मुझसे और मजा नहीं होगा। आप मुझे कहानी संक्षेप में सुना दें, फिर बाद में इसे फैला देना। अभी तो कहानी शुरू ही नहीं हुई और तुम इतना एक्साइटेड हो रही हो, अब इसका अंत सुनोगी तब क्या होगा? अब आप और ज्यादा सस्पेंस में पैदा करेंगे। हम मुझे कह सकते हैं कि एक गांव है जहां पर दो प्यार करने वाले हैं, एक लड़का और दूसरी लड़की। लड़की का नाम था खामोशी और लड़की का नाम था चुप, और गांव के मुखिया का नाम था शोर। बस यही है उस गांव की कहानी। और कहानी कहानी बताने की जरूरत है क्या? उसे सब कुछ बता दो तो बताने का मजा खत्म हो जाए। तो ये प्रेम कथा है? किस्सा हो या हकीकत, प्रेम के बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं। ये प्रेम कितना अजीब है ना, सदियों सदियों से होता चला आ रहा है लेकिन अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया। ये प्रेम कितना कामयाब है? नहीं, समाज की असफलता। दरअसल प्रेम का कद बड़ा है और समाज का दरवाजा छोटा है। सारे लड़ाई की जड़ें साइज के साथ। समाज अपना दरवाजा बड़ा करना नहीं चाहता और प्रेम झुकने को तैयार है। वहां भी यही हुआ। कहां की ये कहानी? क्या हुआ था वहां? टकराहट। कैसी? भयंकर। किसके बीच? समाज और प्रेम के बीच। ये किस गांव की कहानी है? हर गांव की कहानी, हर समाज की कहानी, हर प्रेम की कहानी। तुम प्रेम की बात कर रहे हो या जंग की? प्रेम जंग ही है। कैसी जंग? जिसमें दोनों पक्ष आते हैं। तुम्हारी कहानी बड़ी रोचक मालूम होती है। रोचक होना कहानी की पहली शर्त है, खासकर उस कहानी की जिस कहानी के अंत से सैकड़ों कहानियों का जन्म होता है। पुरानी कहानी के गर्भ से ही नई कहानी जन्म लेती है। हर नई कहानी पुरानी कहानी को उंगली पकड़कर ही चला जाता है। क्या कहा आपने? वो कहानी जिसके अंत से सैकड़ों कहानियों का जन्म होता है, ऐसा कैसा अंत है आपकी कहानी का? अरे ऐसी भी क्या बेइज्जती जी, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई। आप अंत बता दीजिए, बाकी पूरी कहानी मैं लिख लूंगी। मुझे आपकी कलम पर पूरा यकीन है कि मेरी बताई हुई कहानी से आपकी लिखी हुई कहानी ज्यादा बेहतर होगी। तो फिर बताइए। हरगिज नहीं। क्यों? मेरी मर्जी, कहानी मेरी है। कहानी जितनी बोलने वाले की होती है उतनी ही सुनने वाले की भी होती है। लेकिन कहानी सुनने वाले की उतनी ही होती है जितनी की बोलने वाले ने बोली होती है। लेकिन आपको जानकारी नहीं कि मैं वो भी पढ़ लेती हूँ जो अभी लिखा ही नहीं गया, और वो भी सुन लेती हूँ जो अभी बोला जाना बाकी है। तो फिर मेरी क्या जरूरत, आप तो वो सब सुन सकती हैं जो अभी बोला जाना बाकी है। अच्छा बाबा, आप जीते और मैं हारी, चलिए आप अपनी कहानी अपने तरीके से सुनाइए। ये एक प्रेम कथा है। लगता है इसके बाप ने सारा प्लान बनाया होगा।
करने वालों की बस्ती में जितने लव उतने आसानी सुनाई देते हैं। प्रेम वृक्ष की हर पत्ती पर एक कहानी। लेकिन प्रेम की कहानी हर बार एक जैसी ही होती है। कैसे? जैसे प्रेम कभी समान लोगों के बीच नहीं होगा। एक अमीर होगा तो दूसरा गरीब, एक सम्मानित परिवार का होगा तो दूसरा गुमनाम घर का, एक इस जाति का होगा तो दूसरा उस जाति का। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि प्रेम सोच समझ का प्लानिंग के साथ ही किया जाता है। अरे भाई, ये प्रेम है व्यापार नहीं जो टोक बजाकर किया जाए। ये तो बस हो जाता है और करने वाले को तभी पता चलता है जब वो हो चुका होता है। मेरी वाली कहानी भी ऐसी। कैसी? हर प्रेम कहानी ऐसी ही होती है। कैसी? जहाँ दो प्यार करने वालों को सैकड़ों नफरत करने वाले पड़े रहते हैं। लेकिन उन दो उन सैकड़ों का कोई डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता। ये प्यार करने वाले किसी से डरते क्यों नहीं? क्योंकि जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसमें अतिरिक्त बल आ जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी, और उनकी ताकत हजार गुना बढ़ जाती है। उन्हें एक बात का होश नहीं रहता कि उनके बारे में कौन क्या कह रहा है। उस गांव में भी प्यार के दुश्मन हजार थे, लेकिन वो दोनों अपनी दुनिया में मस्त थे। जब एक दूसरे से मिलते थे तो कहते थे कि इतना उपदेश सुना दिया। सुनना जरा सा भी पसंद नहीं है ना? बिल्कुल नहीं।
बस यही बात तो खतरनाक है कि इंसान सिर्फ बोलना चाहता है, सुनता नहीं, और जब बोलने के नाम पर हद से ज्यादा बोलता है तो वो सिर्फ बकवास किया करता है, जैसा कि उस गांव के लोग। उस गांव के लोग, आप उस प्रेम कहानी की बात कर रहे हैं? ये कोई प्रेम कहानी नहीं, प्रेम कहानी उससे भी आगे की बात है, जहां पर कहानियां खत्म हो जाती है ये कहानी वहां भी शुरू हो जाती है। आपकी कहानी पेश कुछ ज्यादा ही है। यही तो कहानी कहने की कला है, यूटर्न कहानी की डिमांड है, घुमाव कहानी में अतिरिक्त रोचकता पैदा करता है। एक बात तो मानना पड़ेगा, आपकी कहानी सुनाने की गजब की कला है। इसकी भी एक वजह है। क्या? जो मैं सुना रहा हूँ ये मेरी गढ़ी हुई कहानी थी, मेरी देखी हुई कहानी, मेरी भोगी हुई कहानी। वो दो प्यार करने वाले अगर इस कहानी के दृश्य है तो मैं इस कहानी का नरेशन। आप कहानी आगे बढ़ाइए ना, तो मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। मैं क्या कहना था? उन्होंने कहा था कि सास जिएंगे सास बनेंगे। वो दोनों अपनी दुनिया में मस्त, अपने भविष्य के सपने से। उन्हें नहीं मालूम था कि उन्हें बेनकाब करने के लिए बस उतावली हो जा रही है। जब कोई किसी से प्यार करता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई किसी से नफरत करता है तो लोगों के पेट भर पूरी बस्ती अपनी दुश्मन हो गई होगी ना। बाहर वाले तो बाहर नहीं आए। सबसे बड़ी खिलाफत तो लड़की के घर में ही शुरू। लड़की की माँ ने साफ साफ कह दिया था कि हे भगवान, क्या क्या सुनने को मिल रहा है लड़की के बारे में। अरे कर्मोही, तू पैदा होते हुए मर क्यों नहीं गए, या मैं क्यों नहीं मरी तेरे जैसी लड़की को जन्म देने के बाद। तेरे अंदर लाश या खया है कि नहीं? कर्मोही घर की इज्जत को लड़की के गोद में डालकर आई है, इश्क कर रही है। मैं कहती हूँ ये सब बंद कर दे, वरना 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 मैं आत्महत्या कर लूंगी। कहने वाले कहते रहे, मरने वाले मरते रहे, प्यार करने वाले किसी की फिक्र करते हैं क्या? इधर उसकी माँ ने तो उधर उसके बाप ने भी साफ साफ दिया होगा। ये क्या सुनने में आ रहा है तुम्हारे बारे में? करोड़पति बाप का बेटा भिखारी की लड़की के कमर में हाथ डालकर पहाड़ों की सैर पर निकलता, तुम्हें जरा सी भी शर्म है? इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं था? याद रखना, ये सब अगर आगे भी जारी रहा तो अपनी जायदाद में से एक रुपया कौड़ी तुझे नहीं दूंगा। उस लड़की के हाथ में 25,000 रुपए दे और पीछा छुड़ा उससे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो मैं करूंगा उसे पूरी दुनिया याद रखेगी। मैं किसी भी हद तक जा सकता। ये तुम्हारी कहानी में कुछ नया पर नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसी कहानी तो हर लव स्टोरी में होती है। ये तो वही इसी पे की चली है। मुझे इसे लिखकर अपने क्यों तुम्हें करा दो? ऐसा है भाई दिया कि बनते हुए मकान को देखने और बने हुए मकान को देखने में काफी फर्क है। और फिर मैं जो आपको सुना रहा हूँ ये एक सत्य घटना है। इसे कहानी की शक्ल तो आपको देनी है, और अभी हम बीच रास्ते में मंजिल पर नहीं पहुंचे। रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो रहा है? ये इश्क का रास्ता है, दुश्वार तो हो गए, कांटों के बीच में घुरा पाया जाता है। ये तमाम प्यार किससे एक जैसे ही क्यों होते हैं? क्योंकि बरसों बरसों से समाज एक है जो समाज के लिए बहुत खतरनाक है। तो क्या हर 5 साल में समाज का नवीनीकरण होना चाहिए? समाज ना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। समय के साथ सोच को बदलना ही पड़ता है, और कई मामलों में सोच बदलती है, लेकिन इश्क के मामले में समाज की कुछ नहीं करती। इश्क को जितना ऊंचा मुकाम देना चाहिए उतना हमें घटिया दर्जा दिया गया। अजीब समाज की जिंदगी हम जी रहे हैं। बाप रे, इतनी कड़ी छुपड़ी है, ऐसा भी क्या हो गया? जानते हो उनके साथ लोगों ने क्या किया? क्या किया? गली गली नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे चौराहे बैठते होने लगे, हथवे जारी होने लगे, जो प्यार करने वाले नफरत के शिकंजे में कसने लगे। उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि उनके पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब कोई किसी से प्यार करता है ना, खुद से जो सारी दुनिया में सारी रहती है। जानकी, जिनके मन में प्रेम होता है उन्हें दुश्मन भी प्यारा लगने लगता है। उन्हें इस बात का होश नहीं रहता कि उनके बारे में कुछ चाहते हैं। दोनों खुली नंगाई कर रहे हैं, मौका मिलते ही लगे हाथों पकड़ो सर।
एक बार रंगे हाथ धर लिए मैं तो मुंह काला करके पूरी बस्ती में घुमाएंगे। हम भी चपत करेंगे, कोड़े मारेंगे, थूकेंगे उनके चेहरे पर। ओह माय गॉड, समाज का चेहरा इतना भी डरावना हो सकता है? फिर क्या? फिर एक दिन अच्छा बाबा और बुरे लोगों को मिलेंगे। Thank you.
पापा ने बुआ को बेटी की तरह पाला था। इस हादसे के बाद पापा ने उस गांव को छोड़ दिया। तुम्हारी बुआ बुद्धि? हाँ, बहुत प्यारी। पापा बताते वो मुझे गोद में लेकर गली गली दौड़ा करते। मैं बुआ के हाथ में आता, बुआ ही मुझे मेरे कपड़े पहनाती थी, बुआ ही मुझे खाना खिलाती। मैं आज भी बुआ का वो बोला था मासूम सा चेहरा भूल नहीं पाया। वो आज मेरे सपने में आया, मैं उनके गोद में सो रख देता हूँ और बुआ मुझे प्यार करती। बाप रे, मैं तो टेंशन में आ गया। एक पैग लेना होगा।
कहानी किसी ग्रहणी की रसोई नहीं जहाँ पर सिर्फ उसकी ही मर्जी चले। अगर मंत्रों को पढ़े होते तो आपको पता होता कि लेखक कहानी का खुदा होता है। देखो तुम ज्यादा खुदाई मुझे मत दिखाओ वरना मैं इस कहानी का अंत नहीं बताऊंगा। अंत नहीं बताएंगे तो कहानी अपना अंत खुद तलाश कर लेगी और अगर बता देंगे तो ये कतई जरूरी नहीं कि मैं उसका अंत नहीं रखूं। लेकिन इस कहानी का जो अंत है इसके सिवा और कोई अंत हो भी नहीं सकता। लेकिन वो अंत ठीक अंत है या नहीं इस पर भी तो विचार करना होगा। अरे भाई ये है पान की दुकान नहीं जो ग्राहक ने कहा छूना दे तो पेश कर दिया। एक वाजिब पर अंत हर कहानी का हक होता है और उस कहानी से उसका हक छीना जाए ये अधिकार किसी को नहीं। अंत तक कहानी अपनी गति अपने लय से पहुंच जाती है। हर कहानी का अपना अंदाज होता है। कहानी अपने आरंभ से अंत तक कई टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरती है। उसमें चढ़ान भी आता है ढलान भी उसमें रास्ते भी आते हैं और घाटी भी। कहानी कभी गाते हुए भी बढ़ती है तो कभी चीखते हुए। अच्छा एक बात बताओ तुम कोई कहानी गढ़ती कैसे हो? ऐसा है मेरे प्यारे समीक्षा कहानी रसोई बनाने जाने वाली कोई डिश नहीं उसकी कोई फिक्स रेसिपी है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि एक कढ़ाई में दो चार छह पनीर के टुकड़े डाले फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दिया फिर एक मग पानी डालकर धीमी आंच पे चढ़ा दिए और दिए कुकर को दो सीटी और हो गई आपकी मनपसंद कहानी तैयार। ठीक है यार ये तुम्हारा काम तुम जानो तुम्हारा काम है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये बुआ की कहानी है। अगर इसे तुम बुआ की कहानी बनाकर देखोगे तो ये बेइंसाफी हो। ऐसा है अभी तो मैंने जितनी बातें सुनी है उससे सिर्फ बुआ ही सशक्त बात बन गई थी। एक महिला जिसे लोगों ने मृत मार दिया है वो 15-20 साल बाद अचानक से दिखाई देती है। इस बार उसके साथ एक आदमी और एक बेटी तो वो आदमी यकीनन उसका पति रहा होगा। वो मंदिर में दिखाई देती है इसका मतलब वो सामाजिक और धार्मिक मर्यादा में रहने वाली महिला है। 15-20 साल उसके जीवन में कितना तूफान आया कितना संघर्ष करना पड़ा रहा होगा। ये तो महिला सशक्तिकरण की एक शानदार कहानी है। एक मिनट कहीं तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर कोई पुरस्कार झटकने की कोशिश तो नहीं कर रही जी। कितनी गंदी बात बोले आप। चलिए सॉरी बोलिए पहले कान पकड़ के सॉरी बोलिए। एक बार नहीं 10 बार कान पकड़ के सॉरी बोलता। लिखे में बेटी हूँ बेटी की नहीं लिखी लेखन लिखता है लेखक में। ठीक है बाबा बात क्लियर हो गई ना। तुम औरतों के लिए दिक्कत है कि एक बात को पकड़ कर बैठ जाती हो तो उसे मिटा कर नहीं मानती। क्या मैं बस इतना कह रहा था ये बुआ की कहानी है। लेकिन मैं एक कहानी का भी तरह सोच रही हूँ कितना जबरदस्त चेक खाता आया और आप उसे किसी से खारिज कर रहे हैं। लेकिन ये अन्याय होगा उसके साथ जिसकी ये कहानी है। आप कहानी का अंत बताइए उसको उसके अंत तक किस तरह पहुंचा रहे ये मेरा काम है। लेकिन अंत तो वही होना चाहिए ना जो सही में हुआ। सही अंत और उचित अंत में काफी अंतर होता है। अगर अंत उचित नहीं तो उसका मतलब ये नहीं उसे बदल दिया जाए। गलत अंत गलत संदेश देगा और मैं गलत संदेश देती ही नहीं रहती। अच्छा एक बात बताओ ये कहानी बहुत अच्छी उसका अंत भी बहुत सार्थक है और वो समाज में बहुत अच्छा मैसेज भी देती है। ऐसी कहानी की कीमत क्या है उसका क्या मूल्य आता जाए तो वो तो अमूल्य है। ये सब तो ठीक है हमारी कहानी कहाँ तक पहुंची थी। ऐसा ना हो कि हम आगे निकल जाए और कहानी पीछे रह जाए या फिर हम पीछे रह जाए और कहानी आगे निकल जाए। सही कह रहे आप कई बार ऐसा हुआ है कि लेखक तो वही चल रहे हैं क्या जिसकी रचनाएं बहुत आगे और कई बार लेखक तो बहुत आगे निकल गए लेकिन उसकी रचनाएं कहाँ पीछे छूट गई किसी को पता ही नहीं चला। कई आला राइटर ने बहुत छोटे लेवल पर लिखा तो वही कई छोटे राइटरों ने बहुत आला दर्जे को। कई जगह आनंद बख्शी साहित्य की तरह लगी है तो वही साहित्य आनंद बख्शी की तरह महसूस किए गए थे। किसी को कमजोर नहीं आती होता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हमारी बातचीत अब उस मुकाम पर पहुंच गई जहां इसे खत्म कर दिया जाए। क्लाइमेट से यही सब सही अंत के लिए सही समय का होना भी जरूरी है। खराब समय का अंत सही समय पर नहीं किया गया तो ये सही समय के खराब अंत के नाम से जाना जाता है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। एक कहानी अपनी दो वजह से अच्छी कहानी कहलाती है एक उसकी शुरुआत और दूसरा उसका अंत। इसलिए आप अपनी कहानी के अंत का आरंभ करें आपका आरंभ मेरा अंत होगा। बातों बातों में
वाला बनाकर खिलाया, उसे अपनी बहन नहीं हमेशा अपनी बेटी समझा। वो एक हादसे में मारी जाती, वो आदमी इतना टूट जाता है, इतना बिखर जाता है कि वो उस गांव को छोड़ देता है, अपना बसा बसाया कारोबार छोड़कर एक अनजाने शहर में जाकर बस जाता है और उसे भूलने की कोशिश करता है, उसे भूल भी जाता है। लेकिन कई साल बाद वो बेटी, वो बहन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती, लेकिन उसको पहचानती नहीं। जरा महसूस करो उसके अंदर कितना उथल पुथल मचा होगा, यादों की सुनामी उमड़ आई होगी उसके अंदर। किसकी मर चुकी बहन उसके सामने खड़ी है, जिसके साथ उसका पति, उसकी बेटी भी है, लेकिन उसे पहचान नहीं। फिर क्या हुआ? अब जब भी वो दिखेगी तो मैं आगे जाकर उसका हाथ पकड़ लूंगा, उसे अपने गले से लगा लूंगा। सही फैसला, इतना सुखद है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि तब अम्मा मेरी, अम्मा हाँ ये बुआ की नहीं, अम्मा की तारी। इसमें सबसे बड़ा यूटर्न अम्मा ने लाया। ज्यादातर अम्माएं सुना करती, उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। अक्सर अम्माएं हो चुके फैसलों का पालन किया करती। जब बच्चों को बोलना नहीं आता तो दुनिया की सारी अम्माएं समझ जाती है उन्हें रोना आ रहा है, सारी अम्माएं समझ जाती है उन्हें भूख लगी, सारी अम्माएं समझ जाती है तुम्हें पोटी आ रही। लेकिन यही बच्चे जब बड़े होते कहते अम्मा तुम तो कुछ समझते ही नहीं। अम्मा बोली क्या? मैंने अक्सर यही देखा है कि घर में सिर्फ पिताजी बोला करते और अम्मा सुना करते। पिताजी का अंदाज कुछ ऐसा होता था कि उनकी बात में सलाह मशवरा की कोई गुंजाइश नहीं, वो तो सिर्फ आदेश दे दिया करते। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि अम्मा ने क्या बोला। लगता है तुम कथा को कथा के तरीके से नहीं सुन रहे, पात्रों के चरित्र के अंदर नहीं जा रहे, उन्हें बाहर से जा रहे, उनके अतीत को उधेड़ नहीं रहे, कहानी को ऐसे नहीं जाना जाता। तो फिर कैसे जाना जाता है? तुम लेखिका हो, तुम्हें नहीं मालूम? तुम जो बात कह रहे हो पढ़ने वालों की बातें हैं, लिखने वालों की नहीं। मैं लेखिका हूँ, पाठक नहीं। लेखिका कहलाना है तो पहले पाठक होना सीखो। अच्छा तुम ये बताओ तुम कहना क्या चाह रहे हो? अम्मा बहुत पढ़ी लिखी नहीं, बहुत विद्वान भी नहीं, अम्मा के पास ज्ञान नहीं अनुभव था, रिश्तों को समझने की सलाहियत। अम्मा ने पूरे मामले को अपने अनुभव की नजर से देखा और पिताजी से बोलना शुरू किया। जब चुप रहने वाली अम्मा बोली तो सब चुप हो गए। ऐसे क्या बोला अम्मा? जरूर कमाल की बात कही होगी, क्योंकि जो कभी नहीं बोलते वो जब बोलते हैं ना तो फिर खूब बोलते हैं। अम्मा की बात में अनुभव कर दिया, कितने उतार चढ़ाव सहे होंगे, कितनी तकलीफें सही होंगी, लेकिन तुम्हारे पास वापस नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं आए ताकि मेरे बड़े भाई को समाज के सामने शर्मिंदगी ना हो, और आज जब उसे कोई सहारा मिल गया है तो तुम उसके सामने जाकर उसके बीते हुए पर उस, अगर अपनी बहन की सलामती चाहते हो तो उसे पहचानने से इनकार कर दो। हर बार रिश्ते गले मिलकर नहीं निभाए जाते, कई बार रिश्ते नजरें फेर कर भी निभाए जाते। अम्मा बोलती गई और पिताजी सुन गए कि क्या सोचा है अपनी बहन के बारे में। तब पिताजी ने बोला, बहन कौन बहन, किसकी बहन? इसके बाद बुआ और पिताजी का कई बार आमना सामना होता है, लेकिन किसी ने किसी को नहीं पहचाना। बस यही थी मेरी कहानी जो अपने बुआ की जिंदगी में फिर से भूचाल आ जाएगा। तुम लेखिका हो, तुम अपने
प्रॉपर्टी आकांक्षा वर्मा मधु प्रियदर्शनी डेकोरेशन आकांक्षा वर्मा ब्रोशर एवं पोस्टर डिजाइनिंग प्रमोद श्रीवास्तव मीडिया मैनेजमेंट मधु प्रियदर्शनी मैं चाहूंगा कि आप लोगों की तालियां रुकना नहीं चाहिए अपनी तालियों से हमारे कलाकारों का प्रोत्साहन करें स्टेज मैनेजमेंट महेंद्र कुमार कलोजिया इमरान खान पामेला पवन गंगवार सत्येंद्र द्विवेदी कोरियोग्राफी की है यशराज सोनकर अमित कुटार संगीत पूजा शर्मा संजीत कुमार प्रचार प्रसार महेंद्र कुमार कलोजिया वीडियोग्राफी मुश्ताक अहमद और मार्गदर्शन था डॉक्टर विदु खरे दास परिकल्पना एवं निर्देशन अंकित सिंह यादव अपने मुख्य अतिथि से अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आ जाए पूर्व पार्षद श्री अहमद अली जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि को भूखे देकर सम्मानित करें प्लीज मंच पर आ जाए अब मैं श्री हीरालाल यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं और हमारे अतिथि प्रमोद कुमार सिंह जी को बुके देकर सम्मानित करें अब मैं पार्षद अहमद अली जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि अमर श्रीवास्तव जी को बुके देकर सम्मानित करें अब मैं हमारे मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा कि वो इस प्ले के बारे में दो शब्द हमसे कहें और आपको और आपकी पूरी टीम को एक बहुत ही सफल कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी जो श्रोतागण थे जिन्होंने पूरे कार्यक्रम में एक अच्छे श्रोतागण बनकर के पूरे कार्यक्रम को देखा व सुना इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद और मैं पूरी टीम को आपको कॉन्ग्रेट करता हूँ कि आपने एक बहुत ही सफल कार्यक्रम का आयोजन इस इलाहाबाद की धरती पर किया बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके जो असगर अली जी उन्होंने जो मंचन किया ये बहुत ही सराहनीय रहा और इसी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम जो लोग हमेशा ऐसे ही करें ताकि समाज को एक अच्छा संदेश जाए धन्यवाद इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हमें हेल्प मिली तो मैं उनसे कहूँगा कि वो भी दो शब्द जरूर बोले
कहना चाहूँगा कि मेरा बहुत ही प्रिय मित्र है और पुराने दोस्तों में से है, और इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा ऐसे ही झंडे गाड़ दें ताकि मुंबई का सफर भी बहुत जल्दी आसान हो। लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिनका मुझे सपोर्ट हमेशा मिला, मेरे फादर पूर्व पार्षद अहमद अली जी, आज डैडी से पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि वो भी कुछ ज़रूर बोले। मंच पे कलाकारों बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का बड़ा सहयोग मिला, और आगे भी आप लोग से दुआ है कि उनके लिए दुआ करिए भाई आगे बढ़ें। बड़ा अच्छा नाटक लगा हमको, और इसके पहले याति भी था काफ़ी अच्छे और पात्रों ने उन्होंने की मतलब है, और यहाँ पे मंच पे जितने भी इनके साथ के लोग, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे ये लोग सभी लोग जो है तरक्की करें, हमारी यही दुआ यही कामना है। थोड़ा सा वक्त और लूँगा कि जो हमारे मित्र हैं, और शायद हम लोग ने थिएटर की शुरुआत साथ में ही की है, जिन्होंने इस प्ले का डायरेक्शन किया, अंकित सिंह यादव, आपके पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी आज दो शब्द जरूर बोले। इससे मंच में जो कलाकार हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतना सफल कार्यक्रम उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और एक बहुत ही शिक्षाप्रद कार्यक्रम को, बहुत ही शिक्षाप्रद नाटक रहा। अगर उस नाटक को आज समाज में स्वीकार कर लिया जाए तो उसके दो पहलू हैं, एक जो ये बताना चाह रहे थे, और दूसरा पहलू जो उन्होंने कहानी सुनाई हुआ थी उससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए, ये सारे आप इतने समझदार हैं कि समझ सकते हैं कि एक भाई की क्या स्थिति हुई, उसको घर छोड़ना पड़ा, उसको गांव छोड़ना पड़ा, और अपनी बहन को देखने के बाद भी उसको अपना कहने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये एक शिक्षाप्रद नाटक रहा है, नाटक ये सामाजिक जीवन में एक सच्चाई है, और इससे एक सबक लेना चाहिए नौजवानों को, नवयुवतियों को, और अपने जो संरक्षक हैं जिनको इन्होंने कहा कि उनके माँ बाप को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आप इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के लिए एक बार कामना करते हैं कि आप भविष्य में भी जो नाटक करें अच्छा करें, कामयाब हों, यही हमारी शुभकामना है। बस आखिर में मैं बस कुछ नाम अनाउंस करना चाहूँगा जिनका हम आभार अदा करते हैं। श्री रतन कुमार दीक्षित, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, श्री अहमद अली, श्री हीरालाल यादव जी, श्री अनिल रंजन भौमिक जी, श्रीमती नीलम गुप्ता, वरुण कुमार द बिग फुट, श्री पंकज कुमार अधिवक्ता उच्च न्यायालय, श्री अनुराग गोयल, श्री इरफान उल हक, श्री प्रवीण कुमार, श्री प्रमोद कुमार सिंह प्रदेश अध्यक्ष हिंदुस्तान उत्थान पार्टी, चंद्रशेखर यादव जी, श्री गणेश श्रीवास्तव जी, जिनका म्यूजिक में काफी सहयोग रहा। धन्यवाद।